यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। पहले अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद प्रशासन की तरफ से परीक्षा को रद्द किया गया और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर परीक्षा को दोबारा कराने, साथ ही जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह दी। अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। उन्हें 14 जून 2023 को महानिदेशक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आईपीएस ऑफिसर रेणुका मिश्रा इसी के चलते सुर्खियों में बन गई है। मंगलवार को पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को यूपी सरकार ने हटा दिया। उनको फिलहाल वेटिंग में रखा गया है। वहीं डीजी राजीव कृष्णा को निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ डीजी भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इससे पहले शासन ने आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने के बाद यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को भी पद से हटा दिया गया था। उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। रेणुका मिश्रा की गिनती यूपी की तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। वो 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं। साल 2021 में रेणुका मिश्रा का प्रमोशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें डीजी का पद मिला था। इसी के बाद रेणुका मिश्रा को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उन्हें साल 2005 में डीआईजी, 2010 में आईजी, 2014 में एडीजी और 2021 में डीजी के पद पर प्रमोट किया गया था। पुलिस प्रशासन में अच्छा काम करने के लिए रेणुका मिश्रा को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेणुका मिश्रा ने राष्ट्रपति पुलिस पदक, भारतीय पुलिस पदक जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, लेकिन अब यूपी प्रोन्नति बोर्ड से उन्हें अध्यक्ष के रूप में निष्कासित कर दिया गया है, जिसकी वजह है यूपी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला। दरअसल पिछले महीने फरवरी की 17 और 18 तारीख को राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद ये सामने आया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका है। इसमें करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें लाखों लोग बिहार समेत दूसरे राज्यों से भी आए थे। परीक्षा रद्द होने के बाद से लगातार विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गत रविवार को सिद्धार्थनगर पुलिस ने 3 लोगों को बिहार से दबोचा भी था। पकड़े गए आरोपियों में पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार जेल का सिपाही नीरज कुमार वर्मा भी शामिल था। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और अगले 6 महीने में दोबारा करवाया जाए। इस मामले में समय से एफआईआर दर्ज न होने पर रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। परीक्षा भर्ती लीक मामले में चूक होने, साथ ही समय से एफआईआर न दर्ज होने पर रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। जांच कमेटी में रिपोर्ट में ये मामला सामने आया कि परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और ना ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।